दुनिया तब्दील हो रही है, लोग डिजिटल एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन कारोबार का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, साथ साथ ऑनलाइन सेल्स के भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके जरिए कमाया जा सकता है। अब कैसे होती हैं डिजिटल सेल्स और किस तरह डिजिटल सेल्स को करियर के तौर पर अपनाया जा सकता है, हमने बात की थी डिजिटल सेल्स एक्सपर्ट अरबाज जाफरी से। आपको दिखाते हैं अरबाज, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए, और मैं अभी ये नहीं बताऊँगा आप लोगों को कि अरबाज जो हैं उन्होंने कितने कम वक्त में रिकॉर्ड बनाया है और कितना कमाया है, खुद बताएंगे अरबाज भाई। लेकिन हम इसी से आगाज़ करते हैं अरबाज भाई, कि ये जो एक अचीवमेंट है ये भी बताइएगा। और लोग इस वक्त ये समझते हैं कि जब बात हम डिजिटल या ऑनलाइन कमाई की करते हैं, इट्स अमेज़ॉन, इट्स अदर प्लेटफॉर्म्स, लेकिन ये क्या चीज़ है, ज़रा इस पर भी एक्सप्लेन करें हमें। जी बिल्कुल। एक्चुअली देखें, देयर इज अ ह्यूज सेगमेंट व्हिच इज़ नोन एज फ्रीलांसिंग, and on the other hand there is a huge segment which is known as a full time employment. बिल्कुल। कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर इंडस्ट्री के होते हैं। आई गेस उस इंडस्ट्री के अंदर हमारी सेल्फ एवेल्यूएशन बड़ा मैटर करती है कि हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। फ्रीलांसिंग इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, हाउएवर ऑन द अदर हैंड इट हैज़ इट्स कॉन्स एज वेल एज कम्पेयर्ड टू अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन सेल्स, एक टाइम हुआ करता था जब हमारे पास एक साइकी और मेंटालिटी बन गई थी कि ऑनलाइन सेल्स इज गोइंग टू बी समहाउ रिलेटेड टू कॉल सेंटर्स। अब एज पर द टाइम फ्लाइड, एज पर द टाइम पैसेस, वो कॉल सेंटर्स इवॉल्व होके कॉन्टैक्ट सेंटर्स बने। ओके। अब हम लोग कॉल सेंटर्स को तो जानते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट सेंटर्स को नहीं जानते। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कॉल सेंटर्स के अंदर सिर्फ एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, वो होता है कॉल्स। इधर इट्स एन इनबाउंड कॉल और एन आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड कॉल वो होती है जो आपके पास आ रही होती है, आउटबाउंड वो होती है जो आप कर रहे होते हैं। कर रहे हो। लेकिन व्हेन द इंडस्ट्री इवॉल्व्ड इनटू अ कॉन्टैक्ट सेंटर, इट अलाउज एनी यूजर टू कोऑर्डिनेट विद देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स यूजिंग वैरायटी ऑफ मीडियम्स, फॉर एग्जांपल ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वर्चुअल मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, गूगल मीटिंग्स एंड वन ऑन वन मीटिंग्स एज वेल समहाउ। तो इस कॉन्टैक्ट सेंटर की जो पूरी रेवोल्यूशन है वो समहाउ इंटरलिंक करती है ऑनलाइन सेल्स से। ओके। सेल्स वंस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉनर ऑफ एवरी बिजनेस। सेल्स की कैलिब्रेशन तो हर कोई कर सकता है लेकिन सेल्स इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम अपनी चीज़ों में इनोवेशन नहीं लाएंगे, रीइन्वेंट नहीं करेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो आई गेस जब तक हम लोग इवॉल्व नहीं कर सकते। सही। इसी तरह कंपैरेटिवली एक सेल्स आज से 20 साल पहले करी जाती थी और एक सेल्स आज करी जाती है। बिल्कुल। हम लोग आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में वेब 3.0 आ गया, NFTs आ गए, ब्लॉकचेन्स आ गई। समहाउ इनका बड़ा एक लिमिटेड स्कोप है और बड़ी लिमिटेड टारगेट मार्केट है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक सेल्स डिजिटल मार्केटिंग की, फॉर एग्जांपल SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत सारे तरीकों से बेनिफिट कर सकता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज हो गई, आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज हो गई, ई बुक राइटिंग सर्विसेज हो गई, वन ऑफ द फेमस जॉनर्स दिस डेज, और साथ साथ लोगो डिजाइनिंग हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गए, रेज्यूमे राइटिंग खासतौर से वन ऑफ द इमर्जिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑनलाइन डिजिटल सेल्स और वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है। अच्छा बस मेरा सवाल इसमें है कि जो आवाम, आम आवाम हमें देख रही है, या मैं अगर अपनी कोई चीज़ सेल करना चाह रही हूँ, या मैं चाह रही हूँ कि कोई कंपनी या कोई भी शख्स मुझसे कोई चीज़ ख़रीदे, मतलब वो पहला स्टेप क्या है, वो किस तरह से होगा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन लोग होते हैं, किस तरह से आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, वो पहला स्टेप जो कि वो सीढ़ी मैंने चढ़नी है वो क्या है और कैसे? फेयर एनफ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारे पास इस पर क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स वंस अगेन बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट होता है। विदाउट सेल्स नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन द मार्केट। सबसे पहले तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं अपने यूज़र्स को, जो भी हमारे यूज़र्स हमारे साथ बैठ के सेल कर रहे होते हैं, कि नो योर टारगेट मार्केट फर्स्ट। ओके। कि आप कहाँ ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग की बात करें, ठीक है, तो ज़्यादातर बिजनेस कार्ड्स उन जगहों पे यूज़ होते हैं जिनका सोशल नेटवर्क बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स,
फॉर एग्जाम्पल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, फॉर एग्जाम्पल वेडिंग प्लानर्स, फोटोग्राफर्स, एंड द लिस्ट गोज ऑन. जस्ट टू गिव यू एन एनॉर्मस आइडिया अबाउट वट काइंड ऑफ टारगेट मार्केट वी आर फोकसिंग. सो हर प्रोडक्ट की अपनी एक टारगेट मार्केट है. When we talk about resumes, हम उनको टारगेट कर रहे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, खासतौर से पेंडेमिक के बाद काफ़ी इसका एक फ्लक्स बढ़ा कि लोग अपनी रेज्यूमेज बनवाने आए, CVs जिसको हम लोग कहते हैं लेमन जबान में. तो उसके बाद फिर कुछ जगहों पर आफ्टर द पेंडेमिक खासतौर से हमें जो एक बूस्ट मिला वो ई बुक राइटिंग सेल्स पर मिला. एज अ करियर आप लेके चल रहे हैं, वो बहुत सारे लड़के नौजवान लड़कियाँ जो कि इसको एज अ करियर लेकर चलना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो अपनी एक विजन आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि दिस इज़ अ फुल टाइम जॉब. ज़्यादातर इसको शॉर्ट गिग्स की तरह लिया जाता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम 4-6 घंटे काम कर लेंगे, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद हम अपना फाइनेंस में MBA करके किसी बैंक में नौकरी कर लेंगे. तो आई गेस जब आप एक चीज़ में टाइम लगाते हैं और उस पर अपनी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं तो आई गेस दिस इज़ ऑलवेज अ रूम to improve, then there's always a room to grow. It also depends on the opportunity you're getting. And right now, in this modern age, I guess it's a world of opportunity, especially if we compare ourselves to our neighboring countries, we are progressing very good. Ab isi pe main ek point aur raise karna chahunga ki hamari jo bhi official bodies hain jo hume control karti hain IT segment ko, वो ज़्यादातर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं. मेरी आपके चैनल के थ्रू अपील भी यही है उनसे कि गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन थ्रू विच वी कैन एक्चुअली ग्रो ग्रूम एंड फ्लरिश. और अरफाज भाई, आखिर में मुझे बता दें सेल आपकी कितनी हुई है प्लीज़. एक्चुअली हुआ ये कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी छोटी छोटी से प्रोडक्ट पर काम करती है, इट्स वेरी लेस एक्सपेंसिव. तो आई क्लोज अराउंड $213,000 a month. Wow. MashaAllah. Absolutely. Mashallah.